हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स जैकेट, जेंट्स स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को बेबी फ्रॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ मफलर के लिए, जेंट्स मफलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन 11 के मल्टीपल स्टिच से बनाया जाता है। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरीके से दिखाई देता है, ये रॉन्ग साइड में उल्टा ही बिना जाता है पूरा। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाने का तरीका देख लेते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है, आप भी 9 नंबर की सिलाई लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 रो बिना है, एक सीधी एक उल्टी, और यहाँ पर मैंने 23 स्टिच लिए हैं, 23 फंदे लिए हैं। फर्स्ट रो हम बिनेंगे राइट साइड का बिनेंगे। यहाँ पर हम पहला फंदा आप उतार लीजिए या बिन लीजिए, यहाँ से हमारी डिज़ाइन शुरू होगी। तो पहला फंदा हम सीधा बिनेंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम आप दोनों फंदों को भी सीधा कर सकते हैं या फिर आप पहले फंदे को सीधा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप दोनों फंदों को भी सीधा कर सकते हैं और या आप सिर्फ पहले फंदे को भी सीधा कर सकते हैं। तो दोनों फंदों को हम एक साथ बिनेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर एक फंदा आगे वाला सीधा करेंगे, फिर हम दो फंदे लेंगे और दोनों फंदों को बिन देंगे एक साथ, एक फंदा बना लेंगे, फिर हम बीच का फंदा सीधा बिनेंगे, फिर हम दो फंदे लेंगे। इन दोनों फंदों को हमें इस तरफ से लेना है, जिस तरीके से हम सीधा बिनते हैं उस तरीके से हमें लेते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर हमें एक जाली बनानी है, फिर हमें इन दोनों फंदों को एक साथ लेना है और दो फंदों का एक फंदा बना लेना है इस तरीके से। फिर हम एक जाली बनाएंगे और फिर हम एक फंदा सीधा भी देंगे। तो यहाँ से हमारा 11 फंदे का डिज़ाइन बढ़ गया है। फिर हम एक जाली बनाएंगे, पहला फंदा हम सीधा करेंगे और पीछे वाले फंदे को लेते हुए दो फंदे एक साथ बिनेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम पहला फंदा सीधा करेंगे, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और दो फंदों को एक साथ बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से। फिर हम एक बीच का फंदा सीधा बिनेंगे, फिर हम दो फंदों को इस तरीके से लेंगे मोड़ते हुए पीछे से, जिस तरीके से हम सीधा बिनते हैं उस तरीके से दो फंदों को एक साथ बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो फंदों को एक साथ बिन देंगे, यहाँ पर हम फिर से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, एक जाली बनाएंगे और हमारा लास्ट का फंदा हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये दोनों कॉर्नर पे एक एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है तो उनको भी सीधा बिन लेंगे। रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई उल्टी ही बिनी जाएगी, ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से उल्टी ही बिनी जाती है, तो आप पूरी सिलाइयों को उल्टा ही बिनेंगे रॉन्ग साइड से। ये हमारी सेकेंड रो है और रॉन्ग साइड की रो है, पूरी रो को हम उल्टा बिनेंगे। इस तरीके से पूरा रो उल्टा बिन लीजिए आप। तो यहाँ पर हम पूरी रो देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से आप उल्टा बिनते हैं उस तरीके से आप रॉन्ग साइड में उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे सेकंड रो। सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम थर्ड रो पर हैं और ये हमारी राइट साइड की तरफ है। इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें इसमें शुरुआत के 3 फंदे अब सीधे बिनने हैं। थर्ड रो में शुरू में हम 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 3 फंदे सीधे बिनने के बाद एक जाली बनाएंगे और ये वाले दो फंदे जो हैं, पहला फंदा हम सीधा करेंगे, सीधा ज़रूर करिए वरना आपका डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम दो फंदों को एक साथ बिनेंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम ये वाले जो 3 फंदे हैं इसके शुरू के 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेंगे, जिस तरीके से आप सीधा बिनते उस तरीके से लेंगे और बिना बिने दूसरी सिलाई पर उतार लेंगे, इनको बिनना नहीं है और उतार लेना है दूसरी सिलाई पर 2 फंदों को। फिर हमारा जो तीसरा फंदा है इसे हम सीधा बिनेंगे, फिर जो हमने 2 फंदे नहीं बिने थे उसे बिने वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में ले लीजिए और जो बिना वाला फंदा है उसे क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे इस तरीके से। फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम इन दो फंदों को एक साथ बिनेंगे, जिस तरीके से सीधा बिना जाता है, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे बीच में, तो 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे।
तीन फंदे सीधे बिनने के बाद फिर से हम एक जाली बनाएंगे। पहले फंदे को हम सीधा करेंगे, इसको सीधा ज़रूर करिए। तो इसको हमने सीधा किया, अब हम दो फंदों को एक साथ बिनेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे। इन तीन फंदों में से हमें दो फंदे बिना बिने दूसरी सिलाई पे मोड़ते हुए उतार लेने हैं, तीसरे फंदे को हमें बिनना है। जो दो फंदे हमने बिना बिने दूसरी सिलाई पे लिए थे उन्हें बिने वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे इस तरीके से। फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम दो फंदे एक साथ बिनेंगे इस तरीके से। दो फंदे आपने एक साथ बिन देना है, एक फंदा बना लेना है दो फंदों का, एक जाली बनाएंगे और लास्ट के हमारे तीनों फंदे हम सीधा बिन लेंगे, जिसमें से हमारे दोनों कॉर्नर पे एक एक एक्स्ट्रा वाला फंदा भी प्लस में है। रॉन्ग साइड पे ये पूरा उल्टा ही रो बिना जाएगा, तो पूरी रो को आप उल्टा बिन लीजिए रॉन्ग साइड पर। रॉन्ग साइड पे इस डिज़ाइन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूरी रो को आपको उल्टा बिन लेना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हम पूरी रो उल्टा बिनेंगे, फोर्थ रो है और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरीके से हम पूरी रो को उल्टा बिन लेंगे, सारे ही फंदे बिन लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन ये फोर रो का देखिए कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको फोर रो। तो फर्स्ट रो कैसे बिनना है, फर्स्ट रो हम पहले ये जो हमारे दोनों कॉर्नर पर एक एक एक्स्ट्रा फंदा इसको आप उतार लीजिए, बिन लीजिए। फिर यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा, एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, एक जाली लेंगे, पहले फंदे को हम पलटेंगे, फिर हम दो फंदों को देखिए ये जो दो फंदे हैं इनको एक साथ सिलाई में लेके बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर हम पहला फंदा सीधा करेंगे और दो फंदों को एक साथ सिलाई में लेके सीधा बिन देंगे, फिर हम सेंटर का फंदा सीधा बिनेंगे, फिर हम दो फंदे ये वाले जो हैं इनको लेंगे और जिस तरीके से सीधा बिने जाते हैं उस तरीके से मोड़ते हुए दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और इस तरीके से दोनों फंदों को बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, बीच का फंदा हमारा फिर सीधा बिना जाएगा, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम इस फंदे को पहले सीधा करेंगे, फिर हम दो फंदों को एक साथ बिन देंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर फंदे को हम सीधा करेंगे पहले फंदे को, फिर हम दो फंदे एक साथ लेंगे सिलाई में और सीधा बिन देंगे, फिर हम बीच वाला फंदा जो हमारा सेंटर का है इसको हम सीधा बिनेंगे, फिर हमारे ये जो दो फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमें एक साथ सीधा बिन देना है, फिर हमें एक जाली बनानी है, फिर हमें दो फंदे हैं एक साथ इनको सीधा बिन देना है इस तरीके से, फिर हमें एक जाली बनानी है और ये दो फंदे हमको लास्ट के सीधे ही बिन देने। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो फिर से कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड से उल्टी ही बिन जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और खूबसूरत डिज़ाइनें लेकर आऊँगी तो देखिएगा ज़रूर। इस तरीके से हम पूरी रो उल्टी बिन लेंगे। थर्ड रो है, थर्ड रो में देखिए हमारे शुरू के फंदे तीनों सीधे हो जाएंगे। अब थर्ड रो में हमारे तीन फंदे शुरू के सीधे बिने जाएंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम पहला फंदा सीधा करेंगे और दो फंदों को एक साथ बिन देंगे, यानी कि दो फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम इन तीन फंदों में से दो फंदे इस तरीके से मोड़ते हुए दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। देखिए आपको इसको इसी तरीके से लेना है, मोड़ते हुए दूसरी सिलाई पे बिना बिने इन्हें बिनना नहीं है। फिर तीसरे फंदे को हम बिनेंगे, फिर जो दो फंदे हमने बिना बिने दूसरी सिलाई पे लिए थे उसे बिने वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम इन दो फंदों को एक साथ बिन देंगे इस तरीके से मोड़ते हुए, फिर हम एक जाली बनाएंगे और बीच के हमारे ये जो तीन फंदे हैं अब हम सीधा इन्हें बिनेंगे, ये तीन फंदे हमारे सीधे बिने जाएंगे इस तरीके से। सीधा बिन दीजिए तीन फंदे बीच के, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम पहला फंदा जो है वो सीधा करेंगे, पहला फंदा सीधा करेंगे और पीछे वाले फंदे की यानी कि दो फंदों को मिला के हम एक फंदा बना देंगे, सीधा बिन देंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हमारे ये तीन फंदों में से शुरू के जो दो फंदे हैं उसको हम इस तरीके से मोड़ते हुए बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, फिर तीसरे फंदे को हम सीधा बिनेंगे, फिर जो हमने दो फंदे बिना बिने दूसरी सिलाई पे लिए थे उन्हें बिने वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। इनको आपको बिनना नहीं है शुरू के दो फंदों को, और ये जो बिना हुआ तीसरा फंदा है उसको हम
क्रॉस करते हुए दोनों फंदों को छोड़ देंगे। फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर हम इन दो फंदों को एक साथ बिन देंगे इस तरीके से। पीछे वाले फंदों को आपको ऐसे ही बिनना है, दोनों फंदे एक साथ बिन दिए, फिर एक जाली बनाएंगे और लास्ट के तीन फंदे अब हमारे सीधे आएंगे, इनको हम सीधा ही बिन देंगे। तो यहाँ पर हमारी थर्ड रो राइट साइड की कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ रो पर आ गए हैं। फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड पे है और ये पूरी ही उल्टी बिनी जाएगी। रॉन्ग साइड की रो जो हमारी है वो पूरी उल्टी ही बिनी जाएंगी सारी रो। तो आपको रॉन्ग साइड पे सिर्फ उल्टा ही बिनना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लीजिए फोर्थ रो, और यहाँ पर आपका डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा इस रो को बिनने के बाद। तो बिन लेते हैं पूरी रो। यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो देखिए इस तरीके से पूरी उल्टी बिन ली है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, फोर रो का डिज़ाइन है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। दोनों डिज़ाइन हमारे सेम हैं, ये लाइट और डार्क दोनों ही कलर में बहुत खूबसूरत बनकर आता है। स्काई ब्लू पे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये देखिए जब आप कंटिन्यू रखेंगे तो इस तरीके से जालीदार डिज़ाइन बन के आएगा। आप इसे जेंट्स हाफ स्वेटर पे बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।